नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। क्रिप्टो करेंसी ने किया मिक्स ट्रेड, बिटकॉइन ने पार किया $23,000 का आंकड़ा। स्कैरामूची के स्काईब्रिज ने क्रिप्टो एक्सपोजर वाले फंड्स के रोके विड्रॉल। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म हेलबॉर्न ने जुटाए $90 मिलियन। बिटकॉइन गेमिंग कंपनी जेबीडी ने वर्चुअल इकोनॉमीज के लिए जुटाए $35 मिलियन। एफटीएक्स के बैंकमैन फ्राइड ने कहा, क्रिप्टो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पैसा खोना है उचित। क्रिप्टो इंडस्ट्री में एसीसी के गैरी गेंसलर बड़ी मात्रा में देखते हैं नॉन कंप्लायंस। दुबई ने मेटावर्स रणनीति का किया खुलासा, 1000 फर्म्स को अट्रैक्ट करने का है लक्ष्य। ब्लॉकचेन म्यूजिक सर्विस ऑडियस यूजर्स को देगी आर्टिस्ट को टिप देने की सुविधा। कंपनीज के रोबस्ट हेल्थ के बीच बुधवार की सुबह के ट्रेड में क्रिप्टो करेंसी का मिक्स ट्रेड हुआ, जैसा कि उनकी कमाई में रिफ्लेक्ट हुआ, जिससे यूएस स्टॉक्स में तेजी आई, जबकि बिटकॉइन ने $23,600 से ऊपर रीबाउंड किया, जो जून के मिड के बाद से इसका हाईएस्ट लेवल है। ज्यादा कंपनीज बड़े बैंक्स में शामिल हुई जिन्होंने फोरकास्ट को बीट करने वाली कमाई की रिपोर्टिंग की, जिससे हायर इन्फ्लेशन से चिंतित इन्वेस्टर्स को राहत मिली और फेडरल रिजर्व ने कॉर्पोरेट बॉटम लाइन को मजबूत किया, जिसे देखते हुए यूएस स्टॉक्स मंगलवार को तेज बढ़त के साथ बंद हुए। इस तरह से S&P 500 में 2.8% की तेजी आई, जो 9 जून के बाद सबसे हाईएस्ट क्लोज है। वहीं टेक हेवी नैसडेक कंपोजिट में 3.1% की बढ़त हुई, जो 24 जून के बाद से बिगेस्ट वन डे परसेंटेज गेन है। यूएस डॉलर ने गिरावट के अपने थर्ड स्ट्रेट डे को मार्क किया, क्योंकि मार्केट्स ने इस महीने फेडरल रिजर्व रेट में फुल परसेंटेज पॉइंट में हाइक के ऑड्स को कम कर दिया है। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में 24 घंटों में 3.5% की बढ़त के साथ $23,100 के आसपास ट्रेड करते हुए देखा गया था, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 2% की गिरावट के साथ $1,520 के आसपास ट्रेड करते हुए देखा गया। दूसरे सभी मेजर ऑल्टकॉइंस में भी मिक्स ट्रेड हुआ। एंथनी स्कैरामूची की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म स्काईब्रिज कैपिटल ने लीगन स्ट्रेटजीज फंड से विड्रॉल्स को टेम्पररली ब्लॉक्ड कर दिया है, जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स का एक्सपोजर था। ये डिसीजन फंड के स्टॉक्स और क्रिप्टोकरेंसीज की प्राइसेस में अचानक गिरावट का रिजल्ट था। स्कैरामूची ने कहा, लगभग 18% फंड में बिटकॉइन और कुछ प्राइवेट वेंचर्स जैसे सैम बैंकमैन फ्राइड के एफटीएक्स सहित क्रिप्टोकरेंसी का एक्सपोजर था। स्काईब्रिज कैपिटल के छोटे फंड्स में से एक लीगन स्ट्रेटजीज के पास मैनेजमेंट के तहत एसेट्स में $230 मिलियन होने का अनुमान है। स्कैरामूची ने दोहराया कि रिडेम्पशन का सस्पेंशन टेम्पररी था, जब तक कि एसेट मैनेजर कैपिटल जुटाने में सक्षम नहीं हो जाते। इतना ही नहीं, उन्होंने इन्वेस्टर्स को अश्योर किया है कि चूंकि फंड का ऑपरेशन एक इंडिपेंडेंट बोर्ड के साथ किया जाता है और ये फंड अनलीवर्ड है, इसलिए किसी भी तरह के लिक्विडेशन का कोई खतरा नहीं है। मियामी बेस्ड एक ब्लॉकचेन सिक्योरिटी कंपनी हेलबॉर्न ने सीरीज ए फंडिंग में $90 मिलियन जुटाए हैं। इस राउंड का लीड प्राइवेट इक्विटी फर्म समिट पार्टनर्स ने किया था। इसमें कासल आइलैंड वेंचर्स, डिजिटल करेंसी ग्रुप और ब्रिविन हॉवर्ड शामिल थे। हालांकि अब तक राउंड के वैल्यूएशन का खुलासा नहीं किया गया है। क्रिप्टो स्टार्टअप्स को हाल ही में कम वैल्यूएशंस पर पैसा जुटाना पड़ा है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन और ईथर जैसी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें नए निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। समिट पार्टनर के मैनेजिंग डायरेक्टर मैथ्यू हैमिल्टन के अनुसार, फंडिंग राउंड में लीड इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी सर्विसेज की मांग समय के साथ बढ़ेगी, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री अभी भी यंग है।
बिटकॉइन ओनली गेमिंग डेवलपर ज़ेबेडी ने वर्चुअल वर्ल्ड में सर्कुलर इकोनॉमीज को स्केल करने के लिए सीरीज बी फंड रेजिंग इवेंट में $35 मिलियन हासिल किए हैं। लीड इन्वेस्टर्स में स्क्वायर एनिक्स, ट्रिपल ए गेमिंग स्टूडियो शामिल हैं, जो कई ग्लोबल वीडियो गेम आईपी के पीछे हैं, जैसे कि फाइनल फैंटेसी और टॉम्ब रेडर, किंग्सवे कैपिटल और द रैनी ग्रुप। फंडिंग का उपयोग ज़ेबेडी की टीम को स्केल करने के लिए किया जाएगा, जिससे उन्हें इसके बढ़ते यूजर बेस की ज़रूरतों को पूरा करने की अनुमति मिल सके, जो पिछले सितंबर में स्टार्टअप के शुरुआती फंडिंग राउंड के बाद से 10 गुना बढ़त देखी गई। FTX के co-founder और CEO Sam Bankman-Fried ने कहा कि अगर उनके bailouts crypto infrastructure को smoothly operate करते हैं तो उन्हें कुछ पैसे खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूयॉर्क में एक क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए फ्राइड ने कहा कि एक ऐसी डील करना ठीक था जो किसी प्लेस को बचाती है। इस स्पेस में एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव एक्टर होने की ज़रूरत एक छोटी सी अमाउंट को बर्न करने को सही ठहराती है। FTX और Bankman-Fried की अलमेरा रिसर्च ने ब्रॉड मार्केट डाउनटर्न के बीच क्रिप्टो लैंडर BlockFi और क्रिप्टो ब्रोकर Voyager Digital को कॉस्टली रेस्क्यू ऑफर की है, जिसके साथ Bankman-Fried का कहना है कि वह और भी ज़्यादा मदद करने के लिए तैयार हैं, जबकि FTX ने उन कंपनीज को लाखों डॉलर की मदद की है जिन्हें लेकर ये उम्मीद नहीं है कि वह बच पाएंगे या नहीं। हालांकि Bankman-Fried ने कहा कि दूसरे क्रिप्टो कंपनियों के साथ उनकी बातचीत से पता चलता है कि उनमें से बहुत से अपनी खुद की इकोनॉमिक पिक्चर के बारे में साफ नहीं है। कम से कम उनकी दिलचस्पी बनाए रखने के लिए ये मिनिमल रिक्वायरमेंट है। US सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन गैरी गेंसलर ने कहा कि उन्होंने देखा कि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नॉन कंपाइलेंस है और रेगुलेटर अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डेवलप करना जारी रखे हुए हैं। एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए गेंसलर ने कहा कि लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने पैसे लिए हैं और कुछ मामलों में असफल रहे हैं और ऐसे बिजनेसेस पहले से ही वोक सिक्योरिटीज़ लॉज के कुछ हिस्सों के अंडर आते हैं। गेंसलर का विचार है कि हाल में के समय में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में जिन्होंने लॉ और रजिस्टर करने का ठीक से पालन नहीं किया, जब हाल ही में कई क्रिप्टो लेंडर्स और एक्सचेंजेस द्वारा सामना किए गए मुश्किलों की बात आती है और अब किस तरह के रेगुलेशन की ज़रूरत है पूछे जाने पर गेंसलर ने कहा कि ये चीज़ों का मिक्सचर है जिसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना और कुछ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को रीवर्क करना शामिल है। दुबई के लीडर्स चाहते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी दुनिया की टॉप 10 मेटावर्स इकोनॉमीज में से एक बन जाए। सोमवार को लॉन्च की गई दुबई मेटावर्स स्ट्रेटजी का एम सिटी में 1000 से ज़्यादा ब्लॉकचेन और मेटावर्स कंपनीज को अट्रैक्ट करने के साथ साथ 2030 तक 40,000 से ज़्यादा वर्चुअल जॉब्स को सपोर्ट करना है। दुबई के क्राउन प्रिंस और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन हिज हाइनेंस शेख मोहम्मद बिन रशीद आल मक्तूम ने मेटावर्स स्ट्रेटजी का खुलासा किया, जिसे दुबई के रूलर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद आल मक्तूम के डायरेक्टिव्स के जैसे डिज़ाइन किया गया था। अनाउंसमेंट के अनुसार वर्चुअल रियलिटी और आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी जो मेटावर्स को फैसिलिटेट करते हैं करंटली यूएई में 6,700 नौकरियों के लिए जिम्मेदार हैं, जो देश की इकोनॉमी में लगभग $500 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही क्रिप्टो से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा।